हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीबीवीएन ऑनलाइन क्लासेस. माई सेल्फ ममता, एंड इन अवर प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पास्ट टेंस. ठीक है, पास्ट की फोर कैटेगरीज जो थी उसके बारे में हमने पढ़ा. आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर के बारे में. ठीक है, तो फ्यूचर से हम जनरली क्या मीनिंग निकालते हैं? जो होने वाला है. ठीक है, वॉट इज गोइंग टू बी हैपन. ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं फ्यूचर इनडेफिनाइट की. फ्यूचर टेंस जो है वो मेनली फोर कैटेगरीज में डिवाइड होता है. दैट यू ऑल विल नो, यू ऑलरेडी नोन दैट फ्यूचर इनडेफिनाइट या फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. फर्स्ट कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो वो आता है फ्यूचर सिंपल. तो पहले सिचुएशन तो यही है कि फ्यूचर, इन फ्यूचर जो होने वाला है उसकी अगर बात करनी है, उसको एक्सप्रेस करना है, तो वो हम फ्यूचर इनडेफिनेट के फॉर्मूला के थ्रू अपनी बात इंग्लिश में कहते हैं. फर्स्ट सिचुएशन देखते हैं, टू से वॉट वी थिंक विल हैपन. ठीक है, अगर हमें ये कहना है कि हम क्या सोचते हैं कि आगे क्या होने वाला है, तो हम फ्यूचर सिंपल का यूज़ करते हैं, और प्रिडिक्ट, या फिर हम प्रिडिक्ट भी करते हैं. फॉर एन एग्जांपल, आर इंग्लिश टीचर विल टेक अ टेस्ट. ठीक है, विल टेक अ टेस्ट, यानी कि ये हमारा सिर्फ थिंकिंग है, हमारा प्रिडिक्शन है कि जो हमारा इंग्लिश टीचर है वो क्या करेगा, हमारा टेस्ट जो है वो लेगा. ठीक है, देन द सेकेंड सिचुएशन इज जनरली शैल इज यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन. शैल जो है वो फर्स्ट पर्सन के साथ में यूज़ किया जाता है. ठीक है, क्योंकि अगर हम फॉर्मूला बनाते हैं तो इसका फॉर्मूला बनता है सब्जेक्ट विल एंड शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो विल और शैल की जब हम बात करते हैं यूज़ की, तो विल का यूज़ किया जाता है सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के लिए, और शैल का यूज़ किया जाता है फर्स्ट पर्सन के लिए. नाउ व्हाट इज़ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन? द पर्सन हु इज़ टॉकिंग. राइट नाउ आई एम टॉकिंग, तो आई एम द फर्स्ट पर्सन. ठीक है, फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो पर्सन बात कर रहा है. सेकेंड पर्सन, जो सुन रहा है. ठीक है, यू आर लिसनिंग, तो राइट नाउ यू आर द सेकेंड पर्सन. एंड द थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बात की जा रही है. ठीक है, यू एंड आई आर टॉकिंग राइट नाउ एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सम अदर पर्सन, तो दैट इज गोइंग टू बी आर थर्ड पर्सन. तो फर्स्ट पर्सन जो बात करता है, सेकेंड पर्सन जो उसे सुन रहा है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है. ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ में शैल का यूज किया जाता है, दैट इज गोइंग टू बी आई और वी, और सेकेंड पर्सन के साथ में विल का यूज किया जाता है, दैट इज गोइंग टू बी यू. ठीक है, या फिर जो सुन रहे हैं वो, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में, वट एवर द मैटर इज. ठीक है, जिस भी चीज के बारे में बात की जा रही है, जिस भी पर्सन के बारे में बात की जा रही है, जिस भी मैटर के बारे में बात की जा रही है, उसको जो है विल के साथ में हम ऐड करेंगे. ठीक है, बट देर इज एन एक्सेप्शन. ठीक है, बट सिचुएशंस लाइक प्रॉमिस, थ्रेट, कमांड एंड डिटर्मिनेशन, अगर हम कोई प्रॉमिस कर रहे हैं तो उसके साथ में हम शैल की जगह, फर्स्ट पर्सन के साथ में हम शैल की जगह विल का यूज़ कर सकते हैं, और विल की जगह शैल का यूज़ कर सकते हैं. यानी कि इन सिचुएशन में क्या होता है, उल्टा हो जाता है. शैल कई बार सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ में भी यूज़ हो जाएगा, और विल जो है वो फर्स्ट पर्सन के साथ में भी यूज़ हो जाएगा. ये चीज़ें जो हैं वो जब हम वन बाई वन सेंटेंस जो है वो क्लियर करते जाते हैं, जैसे मैथ्स में हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ताकि हमें क्या हो, सॉल्यूशंस मिलते जाएं वन बाई वन. इसी तरीके से जब हम सेंटेंस वन बाई वन जो है वो करते जाते हैं, सॉल्व करते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं वो हमें वन टू वन क्लियर होती जाएंगी. ठीक है, अब बात करते हैं इसके फॉर्मूला की. जैसा कि मैंने ऑलरेडी लिखा भी है ऊपर, दैट सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो इसी के अकॉर्डिंग अपन सेंटेंस बनाते हैं. शी, अब शी है तो ऑब्वियसली थर्ड पर्सन हो गई. ठीक है, शी विल विजिट दिल्ली नेक्स्ट वीक. अगले हफ्ते वो क्या करेगी, दिल्ली घूमने जाएगी या विजिट करेगी. ठीक है,
शी विल विजिट दिल्ली नेक्स्ट वीक. नेक्स्ट वीक लगाकर मैंने यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम को शो किया है. नेक्स्ट वीक यानी अगले हफ्ते, फ्यूचर की बात कर दी. ठीक है, तो इस तरीके के जो वर्ड आएंगे उसमें भी हम क्या करेंगे, फ्यूचर का ही यूज करेंगे. सेकेंड हमारा आता है नेगेटिव सेंटेंस. तो विल नॉट या फिर शैल नॉट, फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो आई शैल नॉट गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक. अपनी बात कह दी कि मैं जो हूं अगले हफ्ते दिल्ली नहीं जाऊंगी. ये हमारा हो गया नेगेटिव. अब इसी का इंटरोगेटिव बनाते हैं. तो शुरुआत में जैसे कि हमने पहले भी टेंसेस में किया है, हेल्पिंग वर्ब हम पहले पुट करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट, फिर हम वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो यही सेंटेंस अगर मैं क्या करती हूँ इंटरोगेटिव में बनाती हूँ, क्वेश्चन मार्क भी एंड में लगाएंगे. विल, सॉरी शैल कर लेते हैं इसको, शैल आई गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, क्या मैं अगले हफ्ते दिल्ली जाऊंगी. ठीक है, और हम अगर इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला बनाते हैं तो विल या फिर शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. अगर आप फॉर्मूलाज लर्न कर लेते हैं तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू कि आप जो हैं आराम से क्या कर सकते हैं, नेगेटिव को इंटरोगेटिव में कर सकते हैं, इंटरोगेटिव को इंटरोगेटिव नेगेटिव में, और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको चेंज करते हैं तो शैल आई नॉट गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक. ओके, सो इस तरीके से हमारे जो हैं वो फोर टाइप के सेंटेंस बनते हैं. WH के लिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ. WH वर्ड या जो हाउ मैनी है, हाउ मच है, HW से भी जो वर्ड शुरू होते हैं उसमें भी यही होता है मेन फॉर्मूला. पहले आप WH वर्ड लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वॉट एवर इज योर सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस, एंड देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. ठीक है, सो अगले हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.